अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल करते हैं। व्हेन वन साइड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर गिवन एग्जाम्पल लेते हैं। एक पिलर है एक पिलर इज एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The elevation or angle of elevation of pillar from this point is of 60 degrees. Find height of pillar। इस एग्जांपल में हमें एक तो लेंथ दिया गया हुआ है, हम एक पिलर बनाते हैं, ये हो गया पिलर, और ये 100 मीटर अपार्ट है फ्रॉम ऑन द ग्राउंड किसी पॉइंट से। ये सपोज करें पॉइंट ए है, सी प्लस बी सी प्लर है, ये हो गई 100 मीटर। 100 मीटर ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 डिग्री मिला हुआ है। तो हमें पिलर की हाइट मालूम करनी है। अब हमें पिलर की हाइट मालूम करनी है। हाइट कैसे मालूम करेंगे? ये 60 डिग्री है, हम लेते हैं यहाँ पे 10 एंगल ए डेट इज़ इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हो गई बीसी लाइन और बीसी लाइन सेगमेंट ओवर एसी, मेजरमेंट ऑफ बीसी ओवर मेजरमेंट ऑफ एसी। तो बीसी तो हमें फाइंड करना है और एसी हमें मिला हुआ है 100। अब यहाँ पे हम 10 एंगल ए 60 मिला हुआ है, तो एंगल का वैल्यू पुट करेंगे 10, ये हो गया 1060 डिग्री, ये हो गया मेयरमेंट एंगल बी सी, मेयरमेंट साइड बी सी 100। 1060 हम पढ़ के आए कि 1060 होती है 1060 डिग्री होती है अंडर रूट 3, तो ये हो गई अंडर रूट 3 एम बी सी डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हाइट ऑफ पिलर हो गया 100 अंडर 3 मीटर। आंसर।